ॐ बन्धूक कांचन निभं रुचिराक्ष मालां पाशांकुशौ च वरदां निज बाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दु शकलाभरणं त्रिनेत्र मर्धाम्बिकेश मनिशं वपुराश्रयामि। अथ नवमोऽध्यायः। ॐ राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवदाश्रितम् भूयच्छ्रेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चापि कोपनः। ऋषिर्वाच चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यद्धावन्निशुम्भोऽथ मुख्ययासुरसेनया तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुरा सन्दौष्ठौष्ठपुदा क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययु। आजगाम महावीर्य शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपा कृत्वा युद्धं तु मातृभिः यतो युद्धमतीवासी देव्या शुम्भनिशुम्भयो शरवर्षमतीवोग्रम् मेघयोरिव वर्षतो विच्छेदास्तांश्चरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करै ताडयामास चांगेषु शस्त्रोधैरसुरेश्वरौ। निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्निसिंहं देव्या वाहनमुत्तमम्। ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासि मुत्तमम् निशुम्भस्याशु विच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुर तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम् कोपाद्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानव आयातं मुष्ठिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेपः चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वभागता। ततः परशुहस्तं तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवि बाणोघैरपातयत भूतले तस्मिन्नीपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः
प्रययौ हन्तुमम्बिकाम्। तरथस्थ तथाच्युच्चै गृहीत परमायुधै मुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नमः। तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्याशब्दं चापि धनुष शकारातीव दुःसहम्। पूरयामास ककुभो निज घण्टास्वनेन च समस्त दैत्यसैन्यानां तेजोवदविधायिनां। तत सिंहो महानादै स्त्याजितै भमहामदै पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश। ततः काले समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिता। अट्टातः समशिवं शिवदूती चकारः तैशब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ। दुरात्मं तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिकात् यदा तदा जयेत्यभीहितं देवैराकाशसंस्थितै। शुम्भेनागत्यया शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभा सा निरस्ता महुल्कया। सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम् निर्घातनिस्वनो घोरो जितवानवनीपते। शुम्भमुक्ताञ्छरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान् विच्छिच्छेद स्वशरैरुग्रै शतशोथसहस्रश। ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघानतम् सतदामिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः। ततौ निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः अजघानशरैर्देवीं कालिं केसरिणं तथा। पुनश्च कृत्वा बाहूना मयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिज छादयामास चण्डिकाम्। ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान्। ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यद्धावत वै हन्तु दैत्यसेना समावृतः। तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे। शूलहस्त समायान्तं निशुम्भ ममरार्दनं हृदि विव्याद शूलेन वेगाविध्वेन चण्डिका। भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निस्रुतो परः महाबलो महावीर्य स्तिष्ठेति पुरुषो वदन्। तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्तत शिरच्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतद्भुवि। तत सिंहश्च खादोग्रम् दंष्ट्राक्षुण्णः शिरोधरान् असूरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा परान्। कौमारिशक्तिनिर्भिन्ना केचिन्नेषुर्महासुरा ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तो येनान्ये निराकृता। माहेश्वरी त्रिशूलेन
भिन्नापेतुस्तथा परे वाराही तुंडघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खंडम खंडम च चक्रेण वैष्णव्यादानवाकृता वज्रेण चैन्द्रिहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेशुरसुरा केचिन्नष्टा महाहवा वक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपै। श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सत्या सन्तु जगदम्बार्पणमस्तु।